हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर द रेन एक फैमिली रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करने वाली हाई स्कूल स्टूडेंट अकीरा ताचिबाना की कहानी बताती है, जिसे मैनेजर से प्यार हो जाता है, जो कि 45 इयर्स के हैं और जिनका एक छोटा बेटा भी है। और यही नहीं दोस्तों, उनका डिवोर्स भी हो चुका है। पर ताचिबाना ये डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रगल करती है कि वो मैनेजर के प्यार में आखिर क्यों पड़ रही है, और सोचती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को रिवील करना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एपिसोड। एपिसोड के पहले सीन में उसकी क्लास को दिखाया जाता है, जहां ताचिबाना बेंच के ऊपर सर रख के गाने सुन रही थी। तभी वहां पे उसकी क्लासमेट ताकाशी योशिजावा आता है, जो ताचिबाना को लाइक करता है। योशिजावा ताचिबाना को बहुत एक्साइटमेंट के साथ गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, पर ताचिबाना उसे बिना भाव दिए कहती है कि ये दोपहर का टाइम है। योशिजावा थोड़ा सा एम्बरेस हो जाता है, पर वापस उसी एक्साइटमेंट के साथ कहता है कि ओ हाँ, वो तुम अभी एक रोशनी की तरह बाहर से दिखाई दे रही थी। मेरा मतलब है, सुनो, मैं इस तरह तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि जैसे हम जुड़े हुए हैं या कुछ और। तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बस सोच रहा था, क्यों ना हम फोन नंबर एक्सचेंज करें, क्या कहती हो? और वो देखता है ताचिबाना वहाँ है ही नहीं, स्कूल का टाइम खत्म हो गया था, तो वो वहाँ से निकल गई। पर जाते वक्त एकदम खामोशी से एक जगह पे खड़ी हो गई और उसने देखा कि उसकी सारी फ्रेंड्स रेस ट्रैक के लिए तैयार हो रही हैं, और वो उनको देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद वो टायर्ड फील करने लगी और फिर वहाँ से जल्दी ही निकल गई। वो मौसम की मजा लेते हुए रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहां केसी जो वहां का शेफ है, वो टेबल नंबर 3 का ऑर्डर रेडी करके देता है और ताचिबाना उसे देने जाती है। इसी दौरान कुछ कस्टमर वहां आते हैं, तो यूई निशिदा जो कि ताचिबाना की कोवर्कर है, वो कस्टमर को वेलकम करती है और पूछती है क्या वो दो लोगों के लिए टेबल लेना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ ताचिबाना कस्टमर से पूछती है कि इनमें से किन्होंने ये शेक मंगवाया है। उनमें से एक जन कहता है कि नहीं, मेरा नहीं। तो ताचिबाना दूसरे कस्टमर से पूछती है, तो वो कहता है हाँ, उसने मंगवाया। फिर वो उन लोगों को थैंक यू कहती है और फूड एंजॉय करने के लिए बोलती है। उसी दौरान एक कस्टमर नाराज होके मैनेजर को सुना रहा था, और मैनेजर उसकी हर बात पे सॉरी कहता हुआ दिखाई दे रहा था, और ये भी बोल रहा था कि वो उसके लिए अभी एक नया ऑर्डर लेकर आएगा। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट की किचन से कायो को कुवो नाम की को वर्कर गुस्से में ताचिबाना से कहती है कि ये आदमी कितना बेकार है और उसे कुछ नहीं होगा, वो जिंदगी भर बस रेस्टोरेंट का मैनेजर ही बन के रह जाएगा। ताचिबाना पूछती है कौन, कुवो कहती है और कौन, ये मैनेजर आदमी, वो बहुत ज्यादा माफी मांगता रहता है। निशिदा पूछती है तो फिर मैनेजर को और क्या करना चाहिए। कुवो गुस्से में कहती है कि लड़कियों, मेरा बस यही मतलब है कि ये जीवन जीने का एक बेकार तरीका है। तब निशिता एकदम से चौंक के कहती है वो यहाँ आ रहा है। मैनेजर किचन की तरफ आता है और शेफ को बुलाता है। शेफ एटीट्यूड में बाहर आता है और गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है और कहता है क्या हाल है बॉस। मैनेजर उसे ऐसे देख के थोड़ा सा लो वॉइस में सॉफ्टली कहता है कि ओ हाँ, अब से प्लीज थोड़ा सावधान रहकर अगर तुम ये बिम्बाब को ज्यादा गर्म नहीं करोगे तो शायद ठीक होगा, थोड़ा सा जल गया नहीं। केसी कहता है कि ठीक है, और वो अंदर जाने ही लगता है कि फिर से थोड़ा वापस आता है और कहता है कि मैनेजर योर फ्लाइज ओपन। ये सुन के मैनेजर शर्मा जाता है और कुबो गुस्से में कहती है मैं कसम खा के कहती हूँ कि वो बहुत ही बेकार आदमी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुबो ताचिबाना से कहती है कि वो अब थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले सकती है। ताचिबाना ठीक है बोल के प्लेट में रखा खाना लेती है, तो मैनेजर पूछता है क्या इतना खाना काफी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास जो सैंडविच है तुम्हें उससे थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, तुम अभी भी एक बढ़ती हुई लड़की हो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम और भी पतली हो जाओगी। फिर एकदम से हंस के कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं मजाक ही कर रहा था। ताचिबाना उसे शौक भरी निगाहों से देख रही होती है, फिर प्लेट लेके स्टाफ रूम के अंदर जाती है, तो वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है।
तो वो वापस आके कुबो को बताती है। तो कुबो पूछती है, एक छोटा लड़का है? ताचिबाना कहती है, हाँ स्टाफ रूम में अकेला बैठा है। तो तब कुबो कहती है कि वो मैनेजर का बेटा है। ये सुन के ताचिबाना के हाथ से प्लेट गिर के टूट जाता है। मैनेजर तब कस्टमर से बात कर रहा होता है और आवाज सुन के अंदर आता है और ये सब देख के ताचिबाना से पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। ताचिबाना गुस्से से मैनेजर को देखती है और कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसे ऐसे गुस्से में देख के मैनेजर उसे डरे हुए फेस से स्माइल के साथ कहता है, ओह ठीक है, जब तक तुम्हें बिल्कुल भी चोट ना लगे तब तक सब ठीक ही है। फिर ताचिबाना स्टाफ रूम में उस बच्चे के साथ जाके बैठती है और दुख भरे मन से सोचती है कि मैनेजर तो शादीशुदा निकला। तभी योटो कुंडो जो कि मैनेजर का बेटा है वो कहता है, प्रैक्टिस के लिए अब सब कुछ हो गया है, और फिर बेसुरा रिकॉर्डर बजाने लगा। मैनेजर बाहर से सुन के भाग के स्टाफ रूम आया और यूटो को ये बंद करने को बोला क्योंकि इसकी आवाज बाहर तक जा रही थी। पर यूटो ने कहा उसके स्कूल में कल रिकॉर्डर की टेस्ट होगी, पर मैनेजर नहीं माना और गुस्से में उसे ये बैग में रखने को कहा और उसके इस बर्ताव के लिए ताचिबाना को सॉरी कहा और वहां से चला गया। पर यूटो उसकी बात ना सुन के फिर से बजाने जा ही रहा था तो ताचिबाना ने फौरन रोक दिया। मैनेजर कस्टमर्स को अपना खाने को एंजॉय करने के लिए बोलता है और सोचता है कि इतना शांत कैसे है, कोई रिकॉर्डर की आवाज नहीं है। फिर स्टाफ रूम में आता है पर वहाँ कोई नहीं होता है। तभी उसे पीछे की डोर से रिकॉर्डर की आवाज सुनाई देती है जहाँ ताचिबाना यूटो को रिकॉर्डर सिखा रही थी। ताचिबाना यूटो की आंखें देख के सोच रही थी कि वो बिल्कुल मैनेजर की आंखें जैसी है। तभी यूटो खुश होके कहता है कि उसने आज से पहले इतना अच्छा रिकॉर्डर कभी नहीं बजाया। तभी मैनेजर वो डोर ओपन करता है और ताचिबाना को पहली बार हंसते हुए देखता है और सोचता है कि वो हंस भी सकती है। पर यूटो उसके डैड को बताता है कि वो रिकॉर्डर बजाना सीख गया। पर ताचिबाना मैनेजर को देख के वहाँ से जाने की बात करती है तो मैनेजर उसे कहता है, ओ ताचिबाना आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने बेटे का देखभाल करने के लिए नहीं कहना चाहता था। बदले में ताचिबाना रिप्लाई करती है कि आप जानते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुबो यहाँ मैनेजर को ढूंढ रही थी तो ताचिबाना आके बताती है कि वो स्टाफ रूम में है। कुबो फिर से गुस्से में बोलती है कि वो आदमी में गड़बड़ है, वो अपनी पैंट की जिप तक लगाना भूल जाता है। वो आदमी बिल्कुल ही निराश है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी वाइफ 45 साल के मैनेजर से तंग आ गई और पहले ही डिवोर्स ले चुकी। ये सुन के फिर से ताचिबाना के हाथ से प्लेट गिर के टूट जाता है, पर वो अंदर से खुश होती है। मैनेजर अंदर आके पूछते हैं कि क्या हो रहा है। ताचिबाना फिर से उसे गुस्से से देख रही होती है तो मैनेजर मन ही मन सोचता है कि वो उसे मारेगी तो नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ताचिबाना स्कूल में बैठी होती है और वहाँ उसकी कुछ फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है और अपने अपने लंच निकालते हैं। फिर ताचिबाना से पूछती है कि क्या बस एक जूस पीने से उसका पेट भर जाएगा, तो जवाब में ताचिबाना कहती है क्योंकि वो अब टीम छोड़ चुकी है तो वो पहले जैसा खाती है तो बीमार महसूस करती है इसलिए। तभी थोड़ी दूरी पे बॉयज से बात करने एक लड़का आता है तो वो सारी लड़कियां खुशी से पागल हो जाती है और ये तो यमामोटो है बोल के चिल्लाने लगती है। उसे देख के ताचिबाना कहती है कि ये कौन है, तो उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि तुम इसे नहीं जानते, ये यमामोटो है, ये स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और वो कैप्टन भी है उनका, तुमने शायद उसे पहले ट्रैक पर खेलते हुए देखा भी होगा। ताचिबाना उनकी बात पे सर हिलाते हैं। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि वो एकदम ड्रीम बॉय जैसा है, पर ताचिबाना इनसे एग्री नहीं करती तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि फिर ताचिबाना को किस टाइप के लड़के पसंद है। इन लोगों की बातें योशिजावा छुपकर सुन रहा था। ताचिबाना कहती है कि उसे एक ऐसा लड़का पसंद है जिसका दिमाग थोड़ा खराब हो और वो शायद अपनी पैंट की जिप तक बंद करना भूल जाए, शायद कोई ऐसा जो कि छींकते समय भी बहुत तेज आवाज में छींकता हो। योशिजावा ने तभी ताचिबाना को इम्प्रेस करने के लिए जोर से छींक मारी। उसकी फ्रेंड्स ने जोर से कहा, योशिजावा
क्या तुम चुप करोगे? और सारे फ्रेंड्स ताचिबाना के मजाक उड़ाने लगे कि ये कोई लड़का नहीं, ये कोई बुढ़ा आदमी ही होगा, और हंसने लगती है। ताचिबाना वहाँ से उठ के चली जाती है। अगले सीन में ताचिबाना अकेले खड़ी होके जूस पी रही होती है और फिर उसे दूर से डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। तभी हारुका कियान, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो वहाँ आती है और उसे कहती है कि अकीरा ताचिबाना के लिए ये बहुत बुरी बात है कि वो शॉट तक लगा नहीं पाई और खुद एक शानदार शॉट लगाती है। ताचिबाना ने उसे थैंक यू बोला और पूछा कि कोई मीटिंग तो नहीं है? हारुका ने बताया कि सिर्फ कैप्टन के लिए मीटिंग है और कहती है कि उसे सॉकर टीम की जरूरत है जो उन्हें ट्रैक पर ला सके, क्योंकि मीट्स बहुत जल्दी ही आने वाली है। इस बार ये और टफ होने वाला है, वो मुश्किल से ही क्वालिफाइड हो पाएंगे। और सैड होके कहती है अगर उनके पास ताचिबाना होती तो बहुत आसान हो जाता। ताचिबाना इस बात को टालते हुए कहती है क्या तुम जानती हो कि आज तुम लोगों को जल्दी ही ट्रैक छोड़ देना चाहिए, बारिश आने वाली है। मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। हारुका उसे दिलासा देती है कि चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ताचिबाना रेस्टोरेंट में आते वक्त मैनेजर को डस्टिंग करते हुए देखती है और उसे गुड आफ्टरनून ग्रीट करती है, और मैनेजर भी उसे ग्रीट करना चाहता था पर उसे बहुत छींकें आ रही थी। ताचिबाना उसके और प्यार भरे आंखों से देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आती है और निशिदा को पूछती है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। निशिदा थोड़ा सोचते हुए ताचिबाना को खींच के किचन की तरफ लेके जाती है और कहती है अगर मुझे यहाँ रेस्टोरेंट से किसी को चुनना है तो केसी सुंदर तो है पर प्लेबॉय की तरह लगता है और कस थोड़ा ज्यादा ही सीरियस है, और ये सोच के खुद ही टफ सिचुएशन में पड़ जाती है। तभी ताचिबाना उसे मैनेजर के बारे में उसकी क्या राय है ये पूछती है। निशिदा शॉक होके बोलती है मैनेजर, उस बुढ़े आदमी से तो स्मेल आती है। तभी मैनेजर छुप के उनकी बातें सुन रहा था और सोच रहा था कि कोई मुझे गोली मारो, ये कोई ठीक बात नहीं है, ये बहुत बुरा है, और खुद को बोल रहा था सब ठीक है, बस वहाँ जाओ और नॉर्मल बिहेव करो, मैं मैनेजर हूँ। और फिर वो उनके पास गया और बोला लड़कियों सॉरी, क्या आप में से कोई खाना टेबल नंबर 4 में ले जा सकता है? और थोड़ा मजाक के मूड में कहता है क्या आपने कभी चांद पर रेस्टोरेंट के बारे में सुना है? वहाँ खाना तो बढ़िया मिलता होगा लेकिन माहौल नहीं होता। निशिदा मैनेजर की इस बेकार सी जोक पे हंसते हुए कहती है ओह बॉस, आप भी बहुत मजाक किया है। फिर मैनेजर स्टाफ रूम में चला जाता है और वहाँ जाके वो ड्रेस चेंज करता है क्योंकि निशिदा ने स्मेल की जिक्र की थी, और फिर वो खुद से ही कहने लगता है कि उसे इन खराब बॉडी और बुरे जोक से बचना चाहिए। ये बोल के वो रूम से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ताचिबाना लंच लेके उसी रूम में आती है और मैनेजर की शर्ट को देखती है, फिर उससे याद आती है कि कुछ टाइम पहले बारिश की वजह से इसी रेस्टोरेंट में आके बैठी थी और मैनेजर ने उसे कॉफी लेके दी थी, पर वो शौक होके देख रही थी और मैनेजर से बोली कि उसने ये कॉफी नहीं ऑर्डर किया। ताचिबाना मैनेजर की शर्ट को हाथ में लेके इसकी स्मेल को फील करती हुई वो यादें ताजा कर रही थी कि उसकी मना करने पे भी मैनेजर ने मुस्कुरा के कहा था कि ये कॉफी उसकी तरफ से है, क्योंकि उसे लगा कि ताचिबाना बारिश में रुकने के इंतजार में बोर हो रही होगी। मैनेजर ने उसे कॉफी विद क्रीम सर्व किया और कहा कि चिंता ना करो, जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। ताचिबाना इन यादों के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ मैनेजर आ गया और दोनों ही एक दूसरे को देख के एम्बरेस हो गए। फिर नेक्स्ट हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे स्टाफ घर के लिए निकल रहे थे, पर केसी और कस बोल रहे थे कि उनको आइडिया नहीं था कि आज बारिश होगी तो वो अम्ब्रेला लाना भूल गए। तभी मैनेजर ने 3 अम्ब्रेला निकाल के 2 केसी और कस को दिया तो वो बहुत खुश हो गए और मैनेजर को थैंक यू बोल के सबको गुड नाइट बोल के वहाँ से निकल गए। फिर मैनेजर ने ताचिबाना को भी एक अम्ब्रेला लेके जाने के लिए बोला तो उसने अपने बैग में से उसकी अम्ब्रेला निकाली, तो ये देख के मैनेजर ने कहा ताचिबाना हमेशा तैयारी के साथ रहती है और इस बात का वो सम्मान करता है। ताचिबाना
एक पेपर निकाल के मैनेजर को देती है और कहती है कि उसने नेक्स्ट मंथ के लिए उसकी प्रेफर्ड शिफ्ट तैयार किया है। मैनेजर देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि अरे वाह, एक और जैम पैक्ड शेड्यूल। तुम शायद किसी स्पेशल चीज के लिए बचत करने की कोशिश कर रही होगी। आई डोंट माइंड, इससे मुझे बहुत मदद मिल जाएगी, थैंक यू। ताचिबाना ये सब बिना सुने बस एक टक मैनेजर को देखती रहती है और धीरे धीरे मैनेजर के करीब आती है और घूरते हुए आवाज लगाती है, बॉस। मैनेजर उसे ऐसे देख के चौंक जाता है और पूछता है, तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रही हो। ताचिबाना ये सुन के शर्मा जाती है और कहती है, वो नहीं, मैं नहीं घूर रही थी। मैनेजर अपने आप धीरे से कहता है, क्या सच में? पर वो उसकी आंखें सब कुछ जला सकती हैं। ताचिबाना इस बार मैनेजर से पूछती है कि वो किसी तरह की मैसेजिंग या चैटिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। उसकी ये बात सुन के मैनेजर मन ही मन सोचता है कि वो पक्का उसे घूर रही थी। वो फिर से पूछती है, क्या वो उसे अपना यूजर नेम दे सकते हैं? ये सुन के मैनेजर सोच में पड़ जाता है। तभी ताचिबाना कहती है कि कोई बात नहीं, फिर गुड नाइट बोल के चली जाती है। जब ताचिबाना जाने ही लगती है तो मैनेजर खिड़की से उसे देखने जाता है। वहाँ ताचिबाना से अचानक योशिजावा की मुलाकात हो जाती है। उन दोनों को देख के मैनेजर को लगा कि वो ताचिबाना की बॉयफ्रेंड है। शायद थोड़ी सी जलन भी हुई। तभी थोड़ा गुस्से में खिड़की बंद करके अंदर चला गया और वहाँ योशिजावा ताचिबाना को पूछने लगा कि अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ वो रोज स्कूल के बाद काम करने आती है। फिर उसे पकाना शुरू कर दिया, ये कह के पास में ही उसकी दादी की घर है। और क्या अच्छा संजोग बन गया कि बिना जाने उसे ताचिबाना से मुलाकात हो गई। पर ताचिबाना हमेशा की तरह उसे बिना भाव दिए वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ताचिबाना स्कूल से ट्रेन से निकल के रेस्टोरेंट की तरफ आने लगती है तो उसे ट्रेन में कुछ दूसरे स्कूल के लड़कियां मिलती हैं जो कि बहुत खुश लग रही थी और कुछ स्टिकर्स के बारे में बात कर रही थी। पर हमेशा की तरह ताचिबाना उदास चेहरे के साथ काम पे आती है। वहाँ सारे वर्कर काम कर रहे थे, शेफ भी ऑर्डर रेडी करने में बिजी था। तभी मैनेजर वहाँ आता है और कहता है कि सब ध्यान दो, मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। आज हम रसोई में एक नए सदस्य का स्वागत करेंगे और वो है ताकाशी योशिजावा। योशिजावा बहुत उत्साहित होकर सबको, स्पेशली ताचिबाना को देख के कहता है कि उसे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैनेजर उसे यहाँ बहुत मन से काम करने के लिए बोलता है और वो मैनेजर को एश्योर करता है कि वो जरूर मन लगा के काम करेगा। निशिता योशिजावा को देखती रह गई और इतनी खुश हुई कि ताचिबाना से कहने लगी कि शायद उसे मनचाहा लड़का मिल ही गया। उसकी ये बात सुन के ताचिबाना ताज्जुब के साथ सोचने लगती है कि ये निशिता की पसंद है। आज के लिए फ्रेंड्स यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।